नमस्कार दोस्तों, आज हमारी रसोई में कदीमे के पराठे बन रहे हैं जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टुकड़ा कदीमे का लिया है, 300 से 350 ग्राम का यह टुकड़ा है। इसके बीज को निकालकर हम इसे अच्छे से छील लेंगे। अभी तक आपने आलू, गोभी, मूली, मटर के पराठे बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से इस पीली सब्जी यानी कदीमे की सब्जी की पराठे बना के देखिए। स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी सेहतमंद भी है, खासकर हमारे आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कदीमे को छीलकर धो लेने के बाद हम इस तरीके से पीसेज में कट कर लेंगे। अब हम इसे भाप से पकाएंगे। एक जाली वाली थाली के ऊपर सारे टुकड़ों को रखकर नीचे भगोने में पानी रख दिया है मैंने। गैस को ऑन कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। भाप से इसे कवर कर लेते हैं। 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। भाप में पकाने से इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा गहरा हो गया है। देखिए एकदम अच्छे से पक चुका है ये। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इन टुकड़ों को मैश कर लेते हैं। एक चम्मच से ही ये बड़े आसानी से मैश हो जाएगा। अच्छे से मैश कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है, जितना तीखा आपको चाहिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है पराठे में। इन सब के बाद हम इसमें डालेंगे आटा। तो एक बाउल मैंने आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे कदीमे के पेस्ट के साथ मिलाएंगे। इस आटे का डो बनाने में हमें पानी का यूज नहीं करना है। इस कदीमे के पेस्ट के साथ ही जितना आटा लगेगा उससे हम इसका डो तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता भी मिला सकते हैं। आज मैंने इसे गार्लिक फ्लेवर का बनाया है, इसलिए इसमें प्याज वगैरह नहीं ऐड किया है। अब हम इसके पराठे बेल लेते हैं। तो गोल शेप में ही इसके पराठे बनाएंगे। रोटी से थोड़ा बड़ा बॉल बनाया है और उसे रोटी की तरह ही बेलेंगे। ये देखिए रोटी से थोड़ा सा मोटा मैंने इसे बेला है। अब हम इसे तवे पर रखकर सेक लेते हैं। दोनों तरफ से उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेने के बाद हम इसमें घी लगाएंगे। आप अपने पसंद के अनुसार बटर या रिफाइन ऑयल भी लगा सकते हैं। एक बार इस पराठे को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। स्वादिष्ट होने के साथ साथ हमारे आँखों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का यूज ज़्यादा करते हैं। ऐसे में विटामिन ए से भरपूर कदीमे को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। पराठे हमारे अच्छे से सीख गए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे पराठे सेक लेंगे। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए किसी रसेदार सब्जी के साथ, अचार के साथ या फिर सॉस के साथ। एक बार आप इस पराठे की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।